अपहरण हत्या बलात्कार मुजरिम और जुर्म जब होते हैं जुदा तो छूटते हैं सुराग इन सुराग के बिना पर मिलती है सजा लेकिन जब कानून ही बनने लगे मुजरिम का मददगार तो कौन देगा इसका जवाब। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ पायल और आप देख रहे हैं MNS न्यूज लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की इन खास सुर्खियों पर। सरधना में रोडवेज लिपिक सोनिका की गोली मारकर हत्या, जंगल में मिला शव, महिला कैरेक्टर की गला दबाकर हुई थी हत्या, ऑटो चालक और युवती ने ट्रेन से कट कर दी जान। अब खबरें विस्तार से। सरधना में रोडवेज लिपिक सोनिका की गोली मारकर हत्या कर दी गई और उसका शव जंगल में फेंका गया। सरधना थाना क्षेत्र के पाली निवासी रोडवेज लिपिक सोनिका सोम का पुलिस ने जंगल में शव बरामद किया है। सोनिका 11 नवंबर को लापता हो गई थी, पुलिस तभी से उनकी तलाश में जुटी थी। पुलिस के अनुसार युवती की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उसका शव अटेरना के जंगल में गंग नहर पटरी के बराबर में मिला है। पुलिस ने जांच पड़ताल में शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। वहीं बेटी की मौत की खबर सुनते ही परिजनों में कोहरम मच गया। संदिग्ध परिस्थितियों में लापता रोडवेज लिपिक का कोई सुराग नहीं लग पाया था। गनहर में डूबे होने की आशंका के चलते शुक्रवार की गंगनहर में उसकी दिन भर तलाशी की गई। PSC के गोतखोर शाम तक तलाश में जुटे थे लेकिन सुराग नहीं लगा। इसके अलावा पुलिस व परिजनों ने उसकी तलाश में जंगल खंगाला। फिलहाल परिजन गंगनहर पटरी पर डेरा डाल दिए हैं। शुक्रवार शाम को पुलिस टीम को सफलता मिली और युवती का शव बरामद किया गया। बता दें कि मेरठ रोडवेज में लिपिक पद पर कार्यरत पाली निवासी 27 वर्ष सोनिका लापता हो गई थी। उसकी लास्ट लोकेशन गंगानहर पटरी में मिली थी। एक CCTV कैमरे में फुटेज में वह बाइक पर जाती हुई दिख रही थी। अज्ञात परिजनों ने इस मामले में अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया था। महिला केयरटेकर की गला दबाकर हुई थी हत्या। टॉवर के बगल में 4 मंजिला अपार्टमेंट में डॉक्टर दीपेंद्र मित्रा के फ्लैट में रहने वाली संगीता की गला दबाकर हत्या की गई थी। शुक्रवार को संगीता की मां ने पोस्टमार्टम हाउस पर बेटी की लाश की शिनाख्त की। इसके बाद डॉक्टरों ने पोस्टमार्टम किया तो हत्या का खुलासा हुआ। अब इस कहानी में नया मोड़ आ गया है। इस तरफ डॉक्टर दीपेंद्र का बयान संदिग्ध है तो दूसरे सवाल उठ रहा है कि बंद कमरे में अंदर से कैसे हत्या हो गई। कहीं ऐसा तो नहीं संगीता को साजिश के तहत मारा गया और हादसे का रूप देने की कोशिश की गई। पुलिस का कहना है कि हर बिंदु पर जांच की जा रही है। देर शाम तक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ था। पहले मौका मुआयना करने के बाद पुलिस यही मान रही थी कि संगीता दिल का दौरा पड़ने से मर गई होगी लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पुलिस की कहानी बदल दी। अब डॉक्टर से पूछताछ की जा रही है। उनकी उम्र देखकर पुलिस सतर्कता बरत रही है। पुलिस का कहना है कि साक्ष्य एकत्र करके कार्रवाई की जाएगी। संगीता की हत्या के तार किससे जुड़े हैं यह जल्द ही पता चल जाएगा। पुलिस संदिग्ध मोबाइल नंबर की डिटेल आने का इंतजार कर रही है। ऑटो चालक और युवती ने ट्रेन से कट कर दी जान। आगरा में शास्तीपुरम निवासी युवती बुलबुल 18 वर्ष व राजकुमार उम्र 55 वर्ष के शव बृहस्पतिवार की रात रेलवे लाइन रुनकता पर मिले। जानकारी लगते ही GRP मथुरा मौके पर पहुंच गए और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। दोनों के बीच गहरे संबंध बताए जा रहे हैं। बृहस्पतिवार रात करीब 2:30 बजे GRP निरीक्षक विकास सक्सेना को सूचना मिली कि आगरा के रुनकता रेलवे स्टेशन के पास 2 शव पड़े हुए हैं। मौके पर पहुंची GRP टीम ने शव के पास पड़े हुए मोबाइल फोन में माध्यम से दोनों की शिनाख्त कर शास्तीपुरम सिकंदरा आगरा निवासी युवती बुलबुल और राजकुमार चौधरी के रूप में की है। सूचना पर दोनों के परिजन मौके पर पहुंच गए। GRP ने 2 शवों को पोस्टमार्टम करा कर दे साय परिजन को शव सौंप दिया है। GRP के निरीक्षक ने बताया कि राजकुमार चौधरी ऑटो चलाता था, वही बुलबुल एक ब्यूटी पार्लर में काम करती थी। ऑटो चालक उसे अक्सर ले जाता। दोनों के बीच क्या संबंध था इसकी जानकारी की जा रही है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ TV ऐप डाउनलोड करें। इंस्टॉलिंग ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ पर। नमस्कार। और आप देख रहे हैं MNS न्यूज़।